हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे बिलीज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ये चने के दाल से फरे बनाना, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये देखिए, मैंने ये चने की दाल ले ली है, जो कि इसको चने की दाल लेने के बाद 2 घंटे के लिए हमें अच्छे से साफ़ करके भिगो देना चाहिए, जो कि मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था। ये हमारी दाल देखिए 2 घंटे बाद अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने दूसरे बर्तन में इसे निकाल लिया है पानी से बाहर, ये सारा निकाल लिया हुआ है। ये देखिए आप, अब हम इसे एक दो पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको दो पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और अब जा रहे हैं हम इसको मिक्सी में डाल के पीसने। ये देखिए, मैंने क्या लिया है, ये 2 मिर्ची ले ली हुई है और ये लहसुन लिया हुआ है, तो ये अदरक का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया है। तो इसे दाल के साथ हमें इसको पीस लेना है, तो मैं जा रही हूँ पीसने, तो इसी में डाल के हम पीस लेते हैं इसको। ये देखिए, ये मैंने इसको पीस लिया है, ये पीस के रख लिया है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जा रही हूँ पीसने, तो इसे पीस लिया मैंने, इसमें लहसुन मिर्ची भी पीस लिया साथ में। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। ये देखिए, ये नमक है, आप नमक इसमें स्वादानुसार मिला सकते हैं, और ये गरम मसाला है, आप गरम मसाला भी इसमें मिला दीजिए, और ये टर्मरिक पाउडर है, ये टर्मरिक पाउडर भी इसमें इसी में मिलाना है हमें, और ये हींग हमने ली है, इसमें हमने छोटा छोटा आधा चम्मच लिया है हींग, तो हमें हींग ज़्यादा नहीं, ऐसे चुटकी से उठा के इसमें इतना ऐसे मिलाना है, सारा हींग हमको नहीं मिलाना, ये इतनी हींग हमने बचा ली है, अभी हम फ्राई करने में हमारा लगेगा ये, तो हमें ये सारा इसी में मिला के ऐसे सब डाल देते हैं हम। देखिए, नमक भी डाल दिया, टर्मरिक पाउडर भी, अब हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे मिक्स कर लेना है हमें सारा अच्छे से। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। ऐसे करके हमें मिक्स कर लेना है, आप बनाइए और अपने फैमिली को, अपने पूरा पूरा परिवार को खिलाइए। इस तरह करके मिक्स कर लेना है हमें सारा। पल्सेस को काफ़ी लोग पसंद करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये चने के दाल से पल्सेस बनते हैं, तो आप मटर के भी दाल से पल्सेस बना सकते हैं। ये मैं चने के दाल से बना रही हूँ, जो आप देख रहे हैं, ये हमारा देखिए मिक्स हो गया है। अब हमें इसको बनाने के लिए आटा चाहिए, जो हम आटा ले लेते हैं। ये देखिए, इस साइड में रख देते हैं और ये आटा ले लेते हैं। ये देखिए, आटा हमने इतना लिया है, और ये जितना हमारी दाल रहे हमें उतना ही आटा नहीं लेना है, क्योंकि ये भरवा है हमारा, जो हम पल्सेस बनाने जा रहे हैं। इसे पल्सेस इंग्लिश में कहते हैं, और कहीं कहीं तो इसे पनवुड्डा भी कहते हैं, इसको फरे कहते हैं हिंदी में, जो कि हर जगह फरे कहते हैं, कहीं कहीं पनवुड्डा भी इसे बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेना है, इतना हमने आटा ले लिया है। थोड़ा सा आटा इसे सूखा निकाल के रख देंगे हम, और फिर आटे को गूंद लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने सारा आटा लगा लिया हुआ है, इसको गूंद लिया हमने। अब हम इसको बनाने के लिए पानी गर्म करेंगे, हमें ये पानी में बनाना है, तो चलिए पानी गर्म करते हैं। ये देखिए, अब हम पानी गर्म होने के लिए रखेंगे, ये गैस ऑन करते हैं, ये हमारी गैस ऑन हो गई। अब हम इस पर कढ़ाई में पानी भर के रख देते हैं, ये हमने पानी भर के रख दिया। अब हमारा ये गर्म होगा, तब तक हमें इसे छोड़ देना है, गर्म होने तक ढक के छोड़ देते हैं हम इसे। जब तक हमारा ये पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम आटे की छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ये देखिए, हमें कुछ इस तरह से सारी लोइयाँ बना लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है हमें, इतनी छोटी छोटी बना के अभी हम इन्हें बेल लेते हैं। ये देखिए, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इतने बड़े ही बेलना है, इसको पूड़ी के आकार में बेल देना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तो अब हम ऐसे ही करके सारा बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा बेल लिया है पूड़ी के आकार में, आप देख सकते हैं बेल लिया है मैंने। ये देखिए, जो हमने भरवा तैयार करके रखा था, अब हम इसे ऐसे कर लेते हैं और इसमें भरेंगे हम। ये देखिए, ये मैंने पानी ले लिया है, ये हमने भरवा जो बना के रखा है पल्सेस के लिए वो ले लिया है। अब हम इसमें से एक रोटी उठाएंगे, ये देखिए पूड़ी वाला, अभी ये ऐसे साइड साइड में हम पानी लगा देंगे, ये इस तरह से ऐसे देखिए, इसमें ऐसे पानी लगा देते हैं हम, और ऐसे चम्मच से उठा उठा के इसमें डाल देंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, ऐसे डाल देंगे हम इसमें, और डालने के बाद ऐसे इसे बंद कर देंगे,
देखिए ऐसे हम इसे जितना ही छोटा बना रहे हैं उतना ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं हमारा कैसा लग रहा है। हमें ऐसे करके सारा बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे साइड से चारों तरफ से देखिए ऐसे बंद कर लेना है अच्छे से। और बंद करके ऐसे ही हमें सारा ऐसे ही भर लेना है सारा। और भर के हमारा पानी देखिए गर्म हो चुका है, ये बॉईल हो रहा है पानी बहुत तेज़ी से। तो हम इसे बना बना के एक एक ऐसे डालते जाएंगे इसमें। ये देखिए हमने सारा इसमें डाल दिया है। अब अपनी गैस को थोड़ा स्लो मोशन से मीडियम में कर दिए हैं। अब हमारा सारा डालने के बाद ये हम ढक देते हैं हमारा पक जाए। तब तक हम लहसुन मिर्ची सब कुछ छील कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने लहसुन मिर्ची ले लिया है, प्याज ले लिया। ये देखिए अगर आप तीखा नहीं पसंद करती तो आप एक भी मिर्ची का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने एक टमाटो ले लिया हुआ है और ये इतना लहसुन ले लिया है और ये प्याज ले लिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्याज ने तो सभी को रुला दिया है, तो प्याज हम एक ही इसीलिए डालेंगे। तो हम तब तक इन सबको कट कर लेते हैं जब तक हमारा ये पक रहा है। देखिए मैंने सारा कुछ फ्राई करने के लिए सब कुछ यहाँ पे रख लिया है, सब कुछ रख दिया है मैंने। और आइए अब देखते हैं हमारा ये पक गया है कि नहीं। इसको आराम से हम हटाएंगे। ये देखिए हमारा पक चुका है, बहुत ही अच्छा हमारा पका है। ये हम ऐसे करके देखेंगे, हाँ पक चुका है हमारा। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा बाहर निकाल लिया है कढ़ाई से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार के रख देते हैं। अब इस पल्सेस को हम इस चाकू से नाइफ के जरिए ऐसे पकड़ के इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए ऐसे हमें कट कर लेना है सारा। ये देखिए मैंने सारे पल्सेस को काट लिया है कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो छोटा या बड़ा काट भी सकते हैं, चाहे छोटा काट लें चाहे बड़ा, अपने तरीके से काट लें आप। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें गैस ऑन करनी है और इस पर कढ़ाई रख देना है। ये देखिए हमने गैस ऑन कर दी और इस पर कढ़ाई भी रख दी। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें तेल डालेंगे थोड़ा सा, एक बड़ा चम्मच। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है तब तक मैं आपको कुछ और बता देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरी सन्स मसाला लिया हुआ है, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लिया हुआ है, थोड़ा सा गर्म मसाला लिया। अब इसका हम घोल बना लेते हैं। ये देखिए मैंने इसका घोल बना लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। बहुत थोड़ा सा हमें नमक डालना है क्योंकि हमने पहले से ही नमक डाल के रखा था जब हम दाल को मिक्स कर रहे थे, है ना। ये देखिए हम इतना नमक इसमें ऐड कर देते हैं, डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने घोल बना लिया है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए मैंने तेल डाल दिया है। अब हम इसे गर्म होने तक छोड़ देते हैं। जब तक हमारा ये गर्म हो रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने देखिए छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी राई ले ली है और ये हींग ले लिया है मैंने। तो हमें इन्हें भी फ्राई करने में अभी हमें लगेगा ये। तो हमें पहले हींग डालनी है और फिर उसके बाद राई डालनी है। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हींग डाल देते हैं। ये देखिए ऐसे हींग हमने डाल दिया और अब हम इसमें राई डाल देते हैं। राई डालने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें जीरा डाल दिया है। हम इसमें लहसुन मिर्ची डालेंगे कुछ इस तरीके से ऐसे। हम कड़छी से ऐसे चलाएंगे इसे जब तक हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम प्याज डालेंगे। ये देखिए हमारा लहसुन मिर्ची हो गया है। हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये देखिए हमने प्याज ऐड कर दी और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे, हमारी प्याज भी हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज हो चुकी है। अब इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, टमाटर को भी भून लेते हैं। ये देखिए हमारा टमाटो भी हो चुका है। अब जो हमने मसाले का घोल बनाया था अब हम उसे इसमें ऐड करेंगे। कुछ इस तरीके से हमें ऐड करके इसे भी मिक्स कर लेना है। अगर हमें पल्सेस बनानी हो तो हमें दाल को 2 घंटे पहले से ही भिगा के रख देनी है। फिर अगर दाल हमारी भीग गई हो तो हमें आधा घंटा लगता है इसको बनाने में। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही अच्छी बनती है। इसकी खुशबू मुझे अभी से आ रही है, तो आप तो घर पे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारे मसाले हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हमें इसमें जो हमने काट के पल्सेस डाले थे अब हम उसे इसमें ऐड करेंगे। ये ऐसे हम सारे पल्सेस को इसमें मिला देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इसे डालने के बाद। ये देखिए ऐसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस को स्लो कर देते हैं।
तो इसकी खुशबू मुझे अभी से फ्रेंड आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं इसको खा लूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इसे घर पे बनाएं और सभी को खिलाएं। ये हमारा हो चुका है। अब इसमें धनिया काट के रखी थी, अब हम इसमें डालेंगे। ये कुछ इस तरीके से ऐसे हम धनिया से सजा के इसमें चार चांद लगा देते हैं। ये देखिए ऐसे हमने सजा दिया धनिया से। अब आप देखिए हमारा कैसा पका है। ये देखिए ऐसे हमने धनिया से इसे सजा दिया है। ये देखिए हमने धनिया इसमें डाल दी है। अब मैं आपको एक प्लेट में निकाल के कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ कि हमारे पल्सेस कैसे बने हैं। तो आप भी घर पे इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से आप भी देख लीजिए। तो फ्रेंड हमारे ये पल्सेस आपको कैसे लगे हमारे वीडियो में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूले, लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो मैं आपसे अगले वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।